Today, the IIS family is feeling very proud, and it's a proud moment for all of us that one of our students, namely Sadaf Mushtaq, has bagged first position in J&K board examination. She has secured 498 out of 500, meaning 99.6% of marks. She has brought laurels to our school, and today we are going to facilitate her with a certificate of appreciation. I, on behalf of all the student community, IIS family, teachers, board of directors, congratulate her on his bright success today. May God bless her. बहुत हेल्प किया स्कूल वालों ने, टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत अच्छे टीचर्स हैं आप लोग, यू वेरी लकी, और पूरी गाइडेंस लेना टीचर्स से, सारे टीचर्स बहुत नॉलेजेबल भी हैं, बहुत सपोर्टिव भी हैं, अच्छे से पढ़ना, एंजॉय भी टेंथ करना, उतना मुश्किल भी नहीं है, और इंशाल्लाह आप सबके भी बहुत अच्छे मार्क्स होंगे। इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर आईएएस फैमिली दैट वी अचीव्ड सच अ बिग सक्सेस. And 71 distinctions we have, 4-5 positions we have, and she is topper. मैं सबसे पहले मुबारकबाद कहना चाहूँगा सदफ मुश्ताक जी से, जिन्होंने 498 नंबर आउट ऑफ 500, और मैं स्कूल के चेयरमैन साहब को उस स्कूल के सभी मेम्बरान को बहुत मुबारक देना चाहूँगा, स्पेशली वार साहब को बहुत बहुत मुबारक. पहले कि सदक जी को फेलिसिटेट किया जाए, मैं उनके वालिद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने जज्बात का इजहार करें. नर्सरी से ही इधर पढ़ाए, तो देश इसकी इतनी बनी है, मेहनत आप उनकी है, तो हम लोगों ने गाइडेंस भी घर में, तो ट्यूशन भी अभी कहीं से इसने किया नहीं, सारा इसका जो भी है आपको ही जाता है, तो आपके स्कूल को ही मुबारक है. तो खासकर उसकी माँ को, जिन्होंने उसको मेरे पीछे काफ़ी गाइड किया, मैं तो घर में रहता नहीं हूँ, मैं वीकली पूरा वीक बाहर रहता हूँ घर से, तो सैटरडे संडे ही अवेलेबल रहता हूँ उसके लिए, तो उसको जो भी है इंस्पिरेशन आपका स्कूल है और उसकी माँ है, उसकी अपनी मेहनत है, तो ये मुबारक है आपके स्कूल को. और हम सदफ की अम्मी मुबारक, सदफ आपने हमारा सर ऊंचा कर दिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको तरक्की दे. उनके वालिद साहब का मकाम उनकी अम्मी के बाद आता है, कंट्रीब्यूशन बारह अम्मी की ज़्यादा होती है, उसके बाद वालिद का, वो घर के अफराद का. और उसके साथ हमारे तारिक साहब जो स्कूल के चेयरमैन हैं, आप देखते हैं कि अपना घर बार घूम के सुबह से शाम तक किस तरह स्कूल में लगे रहते हैं. हमारे जो डायरेक्टर्स हैं शफकत मिर्ज़ा साहब, देवन से किस तरह जब इनकी सेहत भी ठीक नहीं थी तब भी लगातार स्कूल में अपना रोल अदा कर रहे थे. हमारे यही डायरेक्टर तमीर साहब जो बहुत ही क्रिएटिव हैं, खुद असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं, कितनी मेहनत के साथ स्कूल में लगे हुए आप ये देख रहे हैं. देखिए बच्चों, सिर्फ एक बात मैं आपको बताऊँ, जो सदफ ने जो बहुत बड़ा पैगाम दिया कि बिना कोचिंग के इन्होंने बोर्ड में टॉप किए. देखो वो भी बच्चे हैं जो लाखों रुपए, हजारों रुपए कोचिंग पे खर्च करते हैं, और ये भी बच्चे हैं जिन्हें अपनी मेहनत से, मैं इनकी मेहनत को सलूट करता हूँ. फ्रॉम अवर वर्दी चेयरमैन सर टू सदफ मुश्ताक, गिव हिम गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. नो बिग डील, जितना हाइप क्रिएट हुआ है बाहर टेंथ के बारे में उतना कुछ है नहीं. टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, स्कूल का बहुत बड़ा रोल रहा. मैं कोचिंग नहीं गई तो मैंने स्कूल से ही और सेल्फ स्टडी की थी, रिविजन कॉन्स्टेंटली करती रही थी, तो पेपर भी अच्छे हो गए. फिर मैं ये बात विदाउट एनी डाउट कह सकती हूँ दैट जो टीचर्स मुझे मिले दे वर वन ऑफ द बेस्ट क्या, वो बेस्ट ही थे. वी हैड आसिफ सर, तौसीफ सर, तंजीला मैम, साहिबा मैम एंड ऑल अदर टीचर्स, दे वर लिटरली द बेस्ट सपोर्ट करने में, प्लानिंग करने में, पढ़ाने में, और स्पेशली ड्यूरिंग लॉकडाउन डाउट्स क्लियर करने में वो 24/7 अवेलेबल होते थे. तो अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ देम.
पब्लिक स्पीकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, तो मुझे बहुत पसंद है, सच बताऊंगी तो उसमें मेरा अपना इंटरेस्ट था और स्कूल ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की, सो वेरी थैंकफुल टू देम फॉर दैट. पहली बार जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है वो पहले देखें कि उन्होंने इस जर्नी में मिस्टेक्स क्या क्या की, उनको करेक्ट करें और अगली बार इससे अच्छे मार्क्स लाएँ. और जो अब 10th में आए हैं उनके लिए यही मैसेज है कि वो कंसिस्टेंटली पढ़ते रहें, अपनी रिटेंशन पावर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें. मैं इसको बार बार बोल रही थी कि मुझे लग रहा कि आपका अच्छा रिजल्ट आएगा और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी इसका अच्छा रिजल्ट, फर्स्ट पोजिशन एक्सपेक्ट नहीं की थी मैंने, तो अल्लाह का शुक्र है कि इसने मेहनत की थी ऐसी तो फर्स्ट पोजिशन में मिली और मैं बहुत खुश हुई. पहले मैंने जब इसके मार्क्स सुने तो मैं ठीक थी, जब मैंने फर्स्ट पोजिशन सुनी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, इतनी ज़्यादा खुश हो गई मैं. मुझे लगता है सारा स्कूल का ही है, इसने कभी ट्यूशन नहीं गई. 6th-7th तक मैं उसको खुद घर में रिवाइज कराती थी, तो बाद में इसने खुद कोप अप किया. इसको जो क्लास टीचर्स जो थे ड्यूरिंग लॉकडाउन इनके साथ इन टच रहे, कितने भी बजे उनको फ़ोन करे कॉल करे तो उसको डाउट्स क्लियर कराते थे, इसके साथ इन टच थे, काफ़ी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इसको क्लास टीचर्स ने. इंटरनेशनल स्कूल, स्कूल के लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस स्कूल को बहुत तरक्की दे और इस स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनको भी बहुत ही आबाद रखे. स्कूल को ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि बच्चे पेरेंट्स अपने बच्चे एक एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होते हैं स्कूल पे, वो सोच के मैंने भी अपनी बेटी को यही सोच के इस स्कूल में डाला था ताकि दोनों दुनिया की तालीम मिले, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये कामयाब हो गए हैं ये स्कूल वाले दोनों. मुझे लगता है ये दुनियावी ज़िंदगी भी चला रहे हैं और आखिरत की ज़िंदगी भी चला रहे हैं. सेटिस्फाई मैं स्कूल से बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं बच्चों को वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप, मैं सदब की नहीं बात कर रही हूँ, हमारे वहाँ पे 5 बच्चे पढ़ते हैं, अगर मैं सदब अच्छा पढ़ती है तो इसके बारे में स्कूल वाले पूछते रहते नहीं, जिस बच्चे के बारे में पता करते हैं तो इंडिविजुअली सबको इन्फॉर्मेशन होती है बच्चे की, वो सबसे बड़ी बात है. थैंक यू सुबह से